हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। और यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से है, यहाँ पे पांच प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 ये कंडक्टिंग प्लेट्स है और ये इस पोटेंशियल वी के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें से प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5, ये तीनों प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, और प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये क्वेश्चन है दो पार्ट में है। सबसे पहले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा यदि इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया है डी क्रॉस सेक्शन एरिया है। कुछ नहीं दिया है इसमें, बस इतना बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। और दूसरा है कि हर एक प्लेट में कितना चार्ज होगा, इंडिविजुअल चार्ज कितना होगा, ये हमको निकालना है। अब कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम समझें कि ये जो है ये सिचुएशन यहाँ पे क्या है। तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है प्लेट, यहाँ से जो है इन प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसमें नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लो जो पहला प्लेट है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए इसके जो सामने जो प्लेट है, प्लेट नंबर 2, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो सेकेंड वाली प्लेट पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट यदि आमने सामने हैं तो ये बन जाता है एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C1 है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है पॉजिटिव प्लेट से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से तीसरा नंबर का प्लेट भी कनेक्टेड है, तो इस तीसरे नंबर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस दूसरे प्लेट पे आएगा, यानी दूसरे प्लेट में दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे एक और जो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बन रहा है, इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C2, क्योंकि यहां भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट बन रही है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर बन गया, एक C1 वाला, एक C2 वाला, और इन दोनों के लिए ये जो प्लेट नंबर 2 है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये इसके पॉजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लेट नंबर 2, और 3 वाले के पॉजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लेट नंबर 2, इसलिए इस प्लेट नंबर 2 पर डबल चार्ज होगा, ठीक है। यानी जितना चार्ज प्लेट नंबर 1 में है उसका डबल चार्ज इसके ऊपर होगा प्लेट नंबर 2 में, मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन होगा अपोजिट यानी नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले प्लेट को देखिए। फिफ्थ वाले प्लेट, ये प्लेट किसी से जो है कंबाइन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव ही आएगा, और इसके सामने वाला प्लेट जो है फोर्थ प्लेट, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये एक और जो है कैपेसिटर बन जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C4 है। अब देखिए, ये जो है क्या बोलते हैं, ये थर्ड वाला जो है और ये फोर्थ वाला है, इन दोनों प्लेट के बीच भी एक कैपेसिटेंस बनेगा, और वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे थर्ड वाले में एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी तरफ, और फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज आएगा दूसरी तरफ, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये थर्ड वाली जो प्लेट है, मान लो इसका कैपेसिटेंस है C3, तो जो थर्ड वाली प्लेट है इट इज कॉमन टू C2 एंड C3, C2 और C3 में कॉमन है, इसलिए इस पर डबल चार्ज आएगा। और वैसे ही फोर्थ वाली प्लेट है, C3 और C4 के लिए कॉमन प्लेट यूज हो रही है, इसीलिए इस पर भी डबल चार्ज आएगा। प्लेट 1 और प्लेट 5 ये किसी में भी कॉमन नहीं है, ये सिंगल कैपेसिटर के लिए यूज हो रहा है। तो मान लेते हैं यदि इसमें चार्ज क्यू है तो इसमें चार्ज 2Q हो जाएगा। मान लो इस पे प्लेट 1 पे चार्ज है Q, तो प्लेट 2 पे हो जाएगा -2Q, क्योंकि डबल हो जाएगा -2Q। यदि प्लेट 2 पे -2Q है तो प्लेट 3 पे कितना हो जाएगा, +2Q हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। वैसे ही प्लेट 4 पे हो जाएगा -2Q एंड प्लेट 5 पे हो जाएगा सिंपली +Q, ठीक है। तो ये हमको Q की वैल्यू निकालनी है,
और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस निकालना है इक्विवेलेंट। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम ये समझें ये C1, C2, C3, C4 जो बन रहे हैं ये कैपेसिटेंस, इसको इस इधर से समझ में नहीं आता है कि सीरीज और पैरेलल है, इसको अगर हम फिर से रीड्रॉ करें तो देखिए यहाँ जो टर्मिनल है एक टर्मिनल दिया है ए और एक टर्मिनल दिया है बी, तो या तो जो प्लेट है ए से कनेक्टेड है या बी से कनेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट मान लो ए है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बनाते हैं और ये पॉइंट को बोल देते हैं बी, ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटर बनेंगे इन्हीं के बीच ही बनेंगे क्योंकि प्लेट्स आर इधर कनेक्टेड टू ए या कनेक्टेड टू बी, ये ठीक है। तो आप C1 की देखें, C1 का बात देखें, C1 का ये वाला फर्स्ट प्लेट जो है ये किससे कनेक्टेड है ए से, और जो दूसरा प्लेट है C1 का वो बी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इस तरीके से, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2 हो गया, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, तो प्लेट नंबर 1 कनेक्टेड है ए से और प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है बी से, तो ये जो कैपेसिटर है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सर्किट में, तो ये हो गया C1, ठीक है। अब C2 की बात करें हम, C2 देखिए, C2 का जो ये है एक प्लेट है 2 और एक प्लेट है 3, ठीक है, तो 2 वाला प्लेट कनेक्टेड है बी से और 3 वाला प्लेट कनेक्टेड है ए से, तो इसको हम एक और कैपेसिटर बनाएं इस तरीके से, तो ये जो है ये 3 वाला प्लेट मान लो ये है और जो 2 वाला प्लेट है ये मान लो ये है, 2 वाला कनेक्टेड है बी से तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, 3 वाला कनेक्टेड है ए से, ठीक है, तो दिख रहा है ये दो आपको पैरेलल में दिखेंगे अभी, तो इसका मतलब ये आजू बाजू वाले जो हैं ये पैरेलल में है। अब ये C3 की बात करें, C3 का जो प्लेट नंबर 3 है वो तो ए से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 4 बी से कनेक्टेड है, तो इसमें एक और आप बना दो, ये 3 वाला ये 3 से कनेक्ट 3 ए से कनेक्टेड है और यहाँ वाला प्लेट नंबर जो 4 है वो बी से कनेक्टेड है, उसको यहाँ बी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तीसरा बन गया। और उसी तरह आप चौथा भी देखेंगे, प्लेट नंबर 5 ए से कनेक्टेड है और प्लेट नंबर 5 बी से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ अगर बना दें ये हो गई प्लेट नंबर 5 और ये हो गई प्लेट नंबर 4, ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग बना लिया। अब आपको चार जो है वो दिखेंगे अलग अलग कैपेसिटर, जिसमें ये 2 और 2, ये जो 2 और 2 प्लेट है इट इज़ कॉमन टू दिस, 1 के साथ भी है 3 के साथ भी, इसलिए इसको यहाँ मैंने बना दिया 2 के साथ 1 2 के साथ 3, तो देखिए ये 2 वाली प्लेट 1 के साथ भी है 3 के साथ भी है, फिर ये 4 वाली जो प्लेट है वो 3 के साथ भी है 5 के साथ भी है, जो 4 वाली प्लेट है वो 3 के साथ भी है वो 5 के साथ भी है, और ये जो 3 वाली प्लेट है ये 2 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये जो है चार कैपेसिटर है इनके जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चारों हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, चारों को जोड़ दें। अब जो चारों जो कैपेसिटर है इनका इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है वो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल से बना है, सबका सेपरेशन डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मान लो इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये कैपेसिटेंस हो गया इसका, यही इसका भी होगा, यही इसका भी होगा, यही इसका भी होगा, तो मान लो इसका कैपेसिटेंस अब ले लेते हैं C, 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 क्योंकि चारों जो हैं इक्वल आएंगे, अब चारों पैरेलल में हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा चारों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंपली 4C, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट था हमें चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, चार्ज फाइंड करना है। अब चार्ज कैसे फाइंड करें, तो देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर को देखो, फर्स्ट वाले कैपेसिटर को, यानी ये वाला, ठीक है, अगर इस कैपेसिटर का हम पता करें चार्ज कितना है, C1 का, यानी इसका अगर पता करें चार्ज कितना है, मान लो इसमें चार्ज है Q, ठीक है, तो दिस Q विल बी C into V होगा। अब C मतलब इसका कैपेसिटेंस यानी C1 और V मतलब
इसके अक्रॉस, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है इससे वी वोल्ट से, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है भी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वी वोल्ट बैटरी सप्लाई, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों कैपेसिटेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का, ये वी है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, सॉरी इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, तो क्यू कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, और जो सी है ये वाला है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। तो ये निकला चार्ज किस पे, ये निकला चार्ज प्लेट वन पे, और यही चार्ज प्लेट फाइव पे भी होगा, प्लेट फाइव पे भी यही होगा। तो मैं अगर क्यू जो है फर्स्ट प्लेट के चार्ज को क्यू वन बोल दूँ, तो क्यू वन इतना आएगा और यही आएगा क्यू फाइव फिफ्थ प्लेट का चार्ज, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। ठीक है, प्लेट नंबर वन और फाइव पे सेम चार्ज आएगा। अब अगर इसकी बात करें प्लेट नंबर टू की, ये कितना होगा, जितना प्लेट नंबर वन में उसका डबल चार्ज होगा, बस माइनस साइन के साथ। तो प्लेट नंबर टू को हम Q2 बोल दे रहे हैं इसके चार्ज को, तो जो प्लेट नंबर वन में था Q1, इसका डबल हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी, बट माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब प्लेट नंबर फोर को आप देखेंगे, ये भी नेगेटिव है और इस पर भी चार्ज माइनस टू क्यू आ रहा है, यानी इसी के बराबर होगा। तो Q4 अगर लिखें, जो प्लेट फोर का चार्ज है, माइनस टू एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी आएगा। और लास्टली प्लेट नंबर थ्री का चार्ज है प्लस टू क्यू, तो बस मैग्नीट्यूड यही होगा प्लस साइन के साथ। तो जो क्यू थ्री है, टू एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी, तो ये है चार्ज ऑन थर्ड प्लेट। तो इस तरीके से हमने सारे प्लेट्स का जो है चार्ज निकाल लिया, और टोटल इसका जो कैपेसिटेंस है दैट कम्स आउट टू बी 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये भी हमने निकाल लिया।